करनाल मामले में सभी अध्यापकों से मिलने के लिए उपायुक्त पहुंचे। उन्होंने मामला बढ़ता देखकर आईटीआई प्रबंधक और अध्यापकों के साथ बातचीत की। पुलिस द्वारा पकड़े गए छात्रों के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। सभी का कहना है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई गलत है, बच्चों को क्लास से उठाकर पुलिस ले गई, इन्होंने हंगामा किया, वो भाग गए और हमारे बच्चे पकड़े गए। आईटीआई प्रिंसिपल का कहना है कि पुलिस द्वारा अध्यापकों पर भी लाठियां मांझी गई, बेकसूरों को पीटा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, बेकसूर अध्यापकों को भी मारा गया। प्रिंसिपल का कहना है कि 100 से ज्यादा छात्र पुलिस ने हिरासत में ले लिए, जिसमें से कईयों को छोड़ भी दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कमेटी बनाकर इस मामले में जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज का जो इंसिडेंट था उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ आईटीआई करनाल में पहुँचा हूँ और यहाँ के प्रधानाचार्य और अध्यापकों से बात करी है। उनकी जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर ली गई हैं और उसकी जाँच पुलिस और मैजिस्ट्रियल दोनों करवाई जाएंगी। उसके आदेश आज शाम तक पारित कर दिए जाएंगे। विषय है, इसमें अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और शिकायत ली गई है, शिकायत की कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। डीसी साहब ने जो कुछ है ना, पुलिस ने जो आज कार्रवाई करी है वो बिल्कुल निंदापूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने संस्थान के अंदर घुसकर छात्रों के साथ साथ स्टाफ की भी पिटाई की। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, मैं कुछ स्तरीय कमेटी गठित करके उसकी जाँच करूँगा, जो भी दोषी पुलिस कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो बाजार में गया था जी, मुझे मेरे पास तो फ़ोन आया कि भाई आईटीआई में ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, लड़का आपका कहाँ पे है। मेरे को फिर पता लगा कि भाई वो तो जो है ना सदर उसमें सिविल लाइन थाने में बिठा रखा है। फिर वहाँ गए जी, वहाँ तो हमारी कोई पूछताछ हुई नहीं, ना किसी ने मिलने दिया। हमारा बच्चा जो है नौ की नौ पर रख रहा है और एक भी जो है ना उसने अब तक पानी तक नहीं दिया। आर न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।